मिट्टी के बर्तन में भोजन पकाना और केले के पत्तों पे खाना, ये हमारी भारतीय संस्कृति की पारंपरिक प्रथा है, जिसकी जगह वक्त के साथ स्टील के बर्तनों ने ले ली। इसीलिए आज मैं आपको फैक्ट्री के अंदर स्टील के बर्तन कैसे बनाए जाते हैं उसका पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि बर्तन में चमक लाने के लिए जो केमिकल का इस्तेमाल होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है या नहीं। तो पूरी वीडियो बिना स्किप के एंड तक देखना, आपको वीडियो देख के बहुत मजा आएगा। बर्तन बनाने की शुरुआत होती है स्टील के बड़े बड़े रोलों से, जिनको चाइना से इम्पोर्ट करके फैक्ट्री तक लाया जाता है। इसके बाद वर्करों की सहायता से अनलोड किया जाता है, और ये जो ऐसा स्टील का रोल है इसको बर्तन बनाने से पहले बर्तन के साइज के हिसाब से छोटे छोटे प्लेट में कट किया जाता है। फिर यहाँ पर मशीन का सेटअप किया जाता है। इस मशीन के अंदर तीन चीजें लगाई जाती हैं, पंच, रिंग और डाई। तो सबसे पहले पंच लगाया गया, इसके बाद ये अपनी डाई आ चुकी है। तो जिस भी हिसाब का, जिस भी साइज का बर्तन बनाया जाएगा उसकी डाई लगाई जा रही है। इसके बाद यहाँ पर रिंग लगाया जाएगा। जब ये तीनों चीजें लगा दी जाती है तो मशीन को अच्छी तरीके से नट बोल्ट से टाइट किया जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटीजी स्टील की प्लेट ले आई है, जो कि मैंने आपको शुरू में दिखाया था, और इन्हीं प्लेट्स का इस्तेमाल करके बर्तन को बनाया जाएगा। तो सबसे पहले इसकी साफ सफाई की जा रही है, ताकि इसके ऊपर जो भी धूल मट्टी है वो साफ हो जाए और बर्तन बनाते टाइम कोई स्क्रैच ना आए। इसके बाद इसको लगातार साबुन से बने घोल में डाला जाता है, ताकि इसकी सतह चिकनी हो जाए और मशीन में डालते टाइम, बर्तन बनाते टाइम ये फटे ना। तो इस तरीके से इस मशीन के अंदर डाला जा रहा है, और इस मशीन को हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन कहते हैं। दुनिया में कोई भी बर्तन हो, चाहे वो स्टील का हो, एल्यूमिनियम का, पीतल का हो, इसी प्रोसेस और इसी मशीन के द्वारा बनाया जाता है। अभी हमारा सॉसपैन बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर सॉसपैन का डिजाइन बनके तैयार हो चुका है, लेकिन इसमें अभी बहुत सारा काम बाकी है। तो इसको उठा के एक दूसरी मशीन पे ले जाया जा रहा है, जिसको कटर मशीन कहते हैं। तो ऊपरी वाले हिस्से को अभी यहाँ पर काटा जा रहा है और सॉसपैन का शेप दिया जा रहा है, और इस तरीके से लगातार हर बर्तन के ऊपरी वाले हिस्से को काटा जाता है, ताकि सॉसपैन का डिजाइन बन जाए। अब ये देखने में अच्छा तो लग रहा है, लेकिन इसका जो ऊपरी वाला हिस्सा है, जो रिंग वाला हिस्सा है, वो काफी ज्यादा खुरदुरा है। अगर इसमें खाना बनाया जाएगा या फिर इसको धोया जाएगा तो हाथों में कट लग सकता है। इसी कारण इसके ऊपरी वाले हिस्से को स्मूथ करने के लिए अब तीसरी मशीन पे लाया गया है, जहां पर इसको मैनुअल और मशीनों के द्वारा घिस घिस के स्मूथ किया जाएगा, ताकि आपके घर में जो आपकी मम्मी है या फिर बहन है, जब इसमें खाना बनाए तो उनके हाथों में बिल्कुल भी कट ना लगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इतना ज्यादा स्मूथ हो चुका है कि इसको अपने हाथों पे चलाइए या फिर गालों पे चलाइए, इससे बिल्कुल भी कट नहीं लगेगा। अब इसमें हैंडल लगाने के लिए इसको एक और मशीन पे ले जाया जाएगा, जिस मशीन को ड्रिलर मशीन कहते हैं, और इस मशीन के द्वारा बराबर डिस्टेंस पे छेद किया जाएगा, ताकि इसमें हैंडल लगाया जा सके। और हैंडल लगाने से पहले इसको पॉलिश किया जाएगा। तो ये हमारा पॉलिश वाला एरिया आ चुका है, और यहाँ पर बहुत ही मेहनत के साथ काम किया जाता है। एक बार आप वर्करों को देख सकते हैं, पूरी तरीके से धूलों में नहा चुके हैं। तो एक लाइक वर्करों के नाम जरूर से आप करिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अंकल जी के द्वारा पहले बफ लगाया गया, उसके बाद यहाँ पर बर्तन में पॉलिश किया जा रहा है, ताकि स्टील में अच्छी खासी चमक आ सके। और ये देख सकते हैं कितना ज्यादा चमक गया है, लेकिन अभी भी ये थोड़ा सा गंदा है, इसी कारण इसको अब मैनुअली साफ किया जाएगा केमिकल से। तो इस तरीके से आंटी जी लगातार इसे साफ कर रही है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टील जो है कितना ज्यादा चमक चुका है। चमकने के बाद अब इसको लेजर द्वारा प्रिंट किया जाएगा। आपने बर्तन के पीछे देखा होगा, ब्रांड नेम होता है, कंपनी का नाम होता है, या फिर उनका जो टैगलाइन होता है वो सब होता है, तो इसी लेजर मशीन के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कैशोवेयर का ब्रांड है, तो यहाँ पर इसका नाम आ चुका है। और नाम आने के बाद अब इसमें हैंडल लगाया जाएगा, ताकि सॉसपैन को पकड़ के आप इसमें चाय बना सकें, दूध उबाल सकें, मैगी बना सकें। तो हैंडल भी यहाँ पर लगाया जा चुका है, और हैंडल लगाने के बाद अब इसकी ब्रांडिंग की जाएगी, स्टीकर लगाया जाएगा, ताकि जिस भी ब्रांड का हो उस ब्रांड को आप पहचान कर उसे मार्केट से खरीद सकें। और इसको पन्नियों में पैक कर दिया गया है, और पन्नी में पैक करने के बाद इसको डब्बों में पैक करके आपके घर के आसपास के दुकानों तक भेजा जाएगा। तो आज मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से फैक्ट्री के अंदर बर्तनों को तैयार किया जाता है, और उनपे इस्तेमाल होने वाला जो केमिकल होता है उसे पैक करने से पहले बिल्कुल भी साफ नहीं किया जाता। तो जब भी आप अपने घर में नया बर्तन लाए तो उसे अच्छी तरीके से साफ करें, फिर उसमें खाना पकाएं, ताकि वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अपने सभी परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। थैंक यू।